सदर अस्पताल के मरीजों को गंदगी से निजात मिल जाएगा। आपको बता दें कि गोपालगंज में केयर इंडिया की तरफ से राजनंदिनी की देखरेख में सदर अस्पताल का साफ सफाई किया गया। वहीं किस डस्टबिन को कैसे इस्तेमाल करना है उसको लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। राजनंदिनी ने बताया कि केयर इंडिया की तरफ से हम लोग अस्पताल की देखरेख करते हैं, जिसमें अस्पताल में मौजूद सभी इंस्ट्रूमेंट, सभी बेड और साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पेंटिंग और बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है किन चीजों को कहां पर रखना है जिससे अस्पताल साफ सुथरा रहे। वहीं गोपालगंज के सिविल सर्जन योगेंद्र मेहता ने बताया कि सदर अस्पताल में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि आने जाने वाले मरीजों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो सके। अस्पताल को साफ रखने से आधी बीमारी खत्म हो जाती है, जिसको लेकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान है। हमारे जो है ना हेल्पिंग पार्टनर हैं और सारे कार्यक्रम को हम लोग दोनों आदमी मिलकर करते हैं और वो हमारे जो जितना हमारा संसाधन है उसमें अपने तरफ से भी उसकी मदद होती है और उसके हिसाब से हम लोग दोनों आदमी मिल करके कैसे हमारा स्वास्थ्य मिशन जो है आगे बढ़े और स्वास्थ्य मिशन स्वस्थ हो और हम लोगों को फ़ायदा दे सकें, ये करना है। अभी साफ सफाई हो गया काफ़ी अच्छा। हाँ जी जी जी, साफ सफाई भी हो रहा है और दूसरी बात है कि हम लोग उसका व्यवस्था भी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मैन पावर भी बढ़ाए हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।